गाइस, आज हम बनाने वाले हैं रबड़ी। वो भी अच्छे लच्छेदार रबड़ी बनाने वाले हैं। रबड़ी बनाने से पहले आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ मैंने 1.5 लीटर दूध लिया हुआ है। इसके बाद हम इसे तब तक चलाएंगे जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता अच्छे से। ये देखिए, बॉयल अच्छे से आ चुका है। हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जो दूध है वो नीचे से ना चिपके, इसलिए आप लगातार चम्मच चलाते रहिएगा। ये देखिए, हमारा एक बॉईल आ चुका है। इसके बाद हम गैस को लो करके इसे धीरे धीरे पकाएंगे चम्मच चलाते हुए इस तरीके से। हमें दूध को थोड़ा गाढ़ा करना है ताकि जो उसकी मलाई है वो एकदम मोटी मोटी बने, जिससे जो हमारे की जो रबड़ी है वो एकदम लच्छेदार बहुत ही यम्मी बनेगी। तो देखिए, इस तरह से हम चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। देखिए, हमारा दूध पहले से था उससे थोड़ा कम हो चुका है। अब इसमें जो मलाई होगी वो बहुत ही अच्छी मोटी तरीके से बनेगी। ये देखिए, आप चम्मच चलाते रहिएगा नहीं तो दूध नीचे से चिपक सकता है। ये देखिए, जो हमारी मलाई है वो बहुत मोटी मोटी जमेगी अब। और जो मलाई है उसे हम आसपास के एरियो में इकट्ठा करेंगे इस तरीके से। मलाई आई, हमने इकट्ठा किया। यही प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक कि दूध एकदम आधा नहीं हो जाता। ये देखिए, नीचे से चम्मच चलाते रहिएगा, फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। जब मलाई आएगी तो उसको आप किनारों किनारों में छोड़ते जाइएगा। ये देखिए, इस तरीके से। ये देखिए, हमारी मलाई बन रही है। मलाई आते तक हमें इस तरह वेट करना है थोड़ी। जब मलाई आएगी उसे किनारों में छोड़ देना है। इसके बाद फिर वेट करना है, मलाई आएगी फिर छोड़ देना है। यही प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे। ये देखिए, हमारी मलाई जम चुकी है। अब इसे हमें किनारों में छोड़ देना है इस तरीके से। ये प्रोसेस बहुत लंबी है गाइस, पर जो रिजल्ट हमको मिलता है वो बहुत ही यम्मी मिलता है। एकदम मार्केट जैसी रबड़ी आपको खाने को मिलेगी। तो इसके लिए थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा। अब देखिएगा, आपकी रबड़ी इतनी यम्मी बनेगी कि आपको दुकान में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप घर बैठे आराम से ये रबड़ी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम जो मलाई है वो उसको किनारों में छोड़ते जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, हमारी कितनी मोटी मलाई आई हुई है। इसे हम फिर किनारों में छोड़ेंगे और यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। ये देखिए, और ये देखिए, ये हमारा लास्ट स्टेज है। मैंने इतनी सारी मलाइयों को काउंट कर लिया है। अब इसमें हमने शुगर डाला हुआ है। शुगर इसमें हल्का ही डालेगा क्योंकि रबड़ी ज़्यादा मीठी अच्छी नहीं लगती, एकदम लाइट मीठी अच्छी लगती है। इसलिए मैंने इसमें सिर्फ आधा चम्मच शुगर डाला हुआ है। इसे चम्मच चलाते हुए थोड़ा और पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें जो हमने यहाँ क्रश किया हुआ है इलायची को, उसका इलायची पाउडर डालेंगे। ये देखिए, दूध जब तक इतना नहीं रह जाता तब तक हम इसे पकाएंगे। अब इसमें हमने इलायची पाउडर डाला है, जिससे इलायची पाउडर डालने से क्या होता है, जो उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है रबड़ी का। मेनली दुकानों में रबड़ी में इलायची पाउडर नहीं डाली जाती, ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले जाते हैं, पर डालने से जो क्या होता है, जो टेस्ट है हमारा, उसकी जो महक है, खुशबू है, वो बहुत ही अच्छी आती है। इसलिए हमने इलायची पाउडर ऐड किया हुआ है। आप नहीं भी करना चाहते तो ये ऑप्शनल है। ये देखिए, अब हमें ठंडा होने तक वेट करेंगे। ठंडा हो गया, उसको हम साइड से पूरा निकाल के एक कटोरी में रख देंगे, उसको अच्छे से मिक्स करके। और ये हमारी रबड़ी तैयार है।